स्टूपिडी क्या कहती है हमारी, पहले मैं राइट साइड को कहता हूं कि फिजिक्स के अंदर हम ये कहा करते थे जब बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, हम कहते थे सवाल के अंदर जवाब होते हैं। जैसे पहला सवाल है, बॉडी हैव स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर सोइंग, हाउ मच टाइम इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। और इफ अ बॉडी हैव स्पीड, क्या आ गया स्पीड, नाउ ने हमें चौपर मिल गया, हाउ मच टाइम, टाइम में कवर्ड डिस्टेंस, इन तीनों चीजों को मिलाए तो क्या होगा सोल्यूशन। आप किसी चीज को सोशली किसी भी चीज पे अप्लाई कर दें तो क्या होगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इस थ्योरी को मैंने थोड़ा और बढ़ाया, रमजान से मैं इस पे काम कर रहा था, बहुत से एक्सपेरिमेंट करते 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 प्योरीफाइड करते करते मैं यहां तक आया। इनिशियल मेरी स्टेटमेंट क्या थी, इनिशियल मेरी स्टेटमेंट ये थी कि अगर आपको कोई भी कह पा कौन सा कहती है सबसे अच्छी, आप क्या समझते हैं क्या सबसे अच्छा, छुट्टी अच्छी कर, छुट्टी अब ये छुट्टी अच्छी कर लेते हैं, सही होगी सबके लिए, आप में ऐसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता होगा। मेरा कहने का मकसद ये है, आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएं, दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएं, जो आपका सबसे फेवरेट गेम है, आप उस गेम के ऊपर उसको मैप करें, जो उसकी टेक्निक्स है। जैसे मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला करता था, फिर ये भाई हमारे में तो जनरल साथ खेला करते थे, हम नहीं हुआ करते थे। अब क्या होता है, कोई भी गेम हो मुश्किल हो तो मैं कहता हूं कि जैसे क्या हो कि हमारे 8 प्लेयर्स आउट हो गए 5 ओवर के अंदर, पीछे 45 ओवर पड़ेंगे, तो मुझे कैसे खेलना है, मुझे हेड डाउन कर देता हूं, मैं लाइफ की स्पीड स्लो कर लेता हूं, मुझे टारगेट बहुत बड़ा मिल गया है, मुझे हिटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब रमजान शुरू हुआ तो मैं ये वाली थ्योरी लेकर आया, मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है ये, मैंने ये कहा कि आपको जो फेवरेट गेम है उस पर क्या करो, अपना प्रॉब्लम मैप करो, और जो आप उस पर करते हो उस गेम को खेलते हुए उसको अप्लाई करो, सॉल्व करो। यही कहा मेरे से किसी ने 15वें रोजे पे, पर मैं लोगों पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया 15वें रोजे पे, ये तो बात सही है, मेरी जीवन तो गलत होने जा रही है, मैं उनका बहुत कुछ करती हूँ। अब इससे अगला झूला लेकर, जो भी आपका फेवरेट था, किसी ने कहा स्टिचिंग मेरी फेवरेट है, मैंने कहा ओके स्टिचिंग पे मैप कर दो, सही है, किसी ने कहा टीचिंग मेरा फेवरेट है, टीचिंग पे मैप कर दो, जो भी आपका फेवरेट, लेकिन वो कंप्लीट आता होगा, उसकी मुश्किलात भी आपने देखी भी हो, उसकी सक्सेस भी देखी भी हो, उसके प्रॉब्लम भी फेस उसके ऊपर अपना प्रॉब्लम है, क्या होगा खुद को खुद वो मसला सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ओपन बात हो गई है थोड़ी सी। सर जैसे टीवी देखता हूँ, मुझे अब देखिए आपने बोलने का कहा, अब होगा ये कि इसका ना कंप्लीट आपके पास पैकिंग होना चाहिए, क्या कंप्लीट पैकिंग होना चाहिए, हम प्रॉब्लम को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। बात आपने की थी कि अगर आपको बोलने का बहुत ज्यादा शौक है तो उसको कैसे मैप किया जा सकता है, अगर आपको पता है कि कभी कभी आपका अपोनेंट जो हो वो बिल्कुल आपके थॉट के खिलाफ आ गया हो तो आपने क्या करना है, कभी ऐसा हो कि आपका मौजू जो है वो वेल डिफाइंड ना हो तो आपने क्या करना हो, आप उसकी सारी अप्स एंड डाउन को वहां मैप करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके एग्री, आगे चलते हैं इसी साइड पर, आगे पुरानी एक मूवी है उसका मैंने सिर्फ एक वो इमेज रखा है, स्नेक एंड द मंकी शैडो, क्या था पुरानी एक स्टोरी बनी हुई है वो आपको बताता हूँ, वहां से लेके चलता हूँ कि एक शहजादी थी, उसके रूम में एक स्वीपर आता था वॉशरूम वगैरह की सफाई के लिए, तो वो
पेपर जो था उसने उस दादी को पसंद करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि दोनों का स्टैंडर्ड इस बुरे तरीके से कि बादशाह कत्ल कर देगा, वो सिर्फ दिल में बसा नहीं था। क्या हुआ, वो बीमार हो गया इस तरह सोचने की वजह से। तो उसकी जो मिसेस थी उसको उन्होंने हायर कर लिया दोबारा से वहाँ सफाई के लिए। तो कुछ दिनों के बाद उसकी मिसेस को जो ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने कहा कि इस बात शहजादी को बता देनी चाहिए। उसने शहजादी को बता दी कि भाई मेरा मियाँ जो है ना वो तुम्हारी वजह से, वो तुम्हें पसंद करता था और ये वजह से डर था कि बादशाह कत्ल कर देगा, तो वो बोलता नहीं था, उसने सोचा करता। शहजादी ने कहा कि मैं इसका ना सोल्यूशन तुम्हें दे सकती हूँ। कहती है क्या करते हैं, ऐसा करो अपने मियाँ को बोलो कि झूठा मामला ना बुजुर्ग बन जाए और शहर से दूर क्या करे कि एक झोंपड़ी बना के रहा करे, लोगों का आना जाना होगा कुछ अच्छे बाद मैं बादशाह से इजाजत लेके आ जाऊंगी। ऐसे ही किया उन्होंने, झोंपड़ी रखी। क्या होता है कि हमारे घर के लोग तो अक्सर आपको पता है कि किसी भी जगह जाके कुछ भी कर लेते, वहाँ आना जाना शुरू हो गया। कुछ अच्छे बाद शहजादी ने कहा कि गुजरा से मैंने सुना है कि वो बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, तो मैं भी वहाँ जाऊँगी। शहजादी वहाँ चली जाती है, शहजादी जाती है क्योंकि झोंपड़ी के बच्चा को निकाल दिया जाता है कि शहजादी साहब आएंगे। शहजादी जाती है और कहती है कि देखो ऐसा था, वो बहुत खुश हो गए कि वो कहते हैं कि मेरी आज खुशी की इंतहा नहीं रही कि तुम मेरे पास आ गए, जिसके लिए मैं एक नज़र इसको देखने के लिए तरसा करता। वो चली जाती है। उस दिन ख्वाब में वो क्या देखता है, उसको ना गैर से कोई आवाज़ आती है। आवाज़ उसको क्या कहती है, आवाज़ ये कहती है कि देखो तुमने झूठी मूर्ति का रूप धारा था और शहजादी तुम्हारे पास आ गई, अगर तुम वाकई में बुजुर्ग बन जाओ तो क्या होगा। सही हो गई स्टोरी ये कहती है कि क्या होता है कि सिर्फ रूप धारने से भी अक्सर बहुत कुछ मिलता है। पहला यही चीज है, हैप्पी एंडिंग नहीं थी। नहीं कौन सी चीज कहती है कि भाई मेरा मियां तुम्हें पसंद करता है, वो वाली सच्चाई नहीं है। अब क्या है, ये जो मूवी का मैंने इसमें दिया है, एमी दिया है, तो ये नॉवेल क्या था, ये दो आदमी थे, ये इनकी लड़ाई होती है किसी जगह पर, लड़ाई खत्म नहीं होती, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कोई एक डेट कि हम 23 दिसंबर को दोबारा लड़ेंगे और प्रैक्टिस करके लड़ेंगे। एक जब घर जा रहा था तो उसने क्या हुआ, बंदर को देखा, उसने कहा कि यार अगर मैं इसकी चालें सीख लूं तो मेरी फाइटिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा घर जा रहा था तो उसने किसको देखा, स्नैक को, तो उसने कहा कि अगर मैं स्नैक की चालें सीख लूं तो क्या होगा कि मेरे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो एक ने सीख ली मॉन्की की चालें और एक ने सीख ली स्नैक। लड़ाई जो भी थी, कहने का मकसद ये है कि आपको आगे चलने के लिए किसी एक पर्सनैलिटी को इंस्पायर होकर उससे उसके अंदर स्टेप में चलना। कुछ अर्सा क्या होगा, सिर्फ रूप धारा होगा उसका, तो आप में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। अगर रूप धारने से आगे चले जाओगे तो फिर क्या होगा, बाकी में बहुत कुछ मिल जाएगा। सही होगी, यही मेरी थ्योरी का मकसद है। दो चीजें मैंने इसके अंदर डिफाइन किया। जी हाँ, पूछे सर आपने किसके कुछ स्टेप को फॉलो किया, और बताइएगा आपने अभी किन के कुछ स्टेप को फॉलो किया। मैंने सगीर अहमद के कुछ ऐसे में हम भी सगीर अहमद से नहीं करना पड़ेगा। सही हो गया, अच्छी बात।